नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार सक्रिय और दिखने वाली, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सक्रिय और दिखने वाली करार देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में देश को नीतिगत पंगुता से बाहर निकालने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, विश्वास की कमी को दूर करने और प्रधानमंत्री कार्यालय के सम्मान को बहाल करने का काम किया गया है। राज्य सरकार के एक वर्ष के कामकाज के दौरान उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूत करने और विदेश में की स्थिति बेहतर बनाने का काम किया है। वह काला धन वापस लाने और देश को तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर करने को प्रतिबद्ध है। मनमोहन ने कहा था, सहयोग नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। टेलीकॉम घोटाले में पूर्व आईएएस और ट्राई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप बैजल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैजल ने अपनी किताब द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स 2G पावर एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज के प्रैक्टिशनर्स डायरी में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व अधिकारी ने लिखा है कि मेरी हालत ऐसे अफसर की थी जो कुछ करो तो आफत, न करो तो आफत। बैजल ने लिखा है कि उन्होंने यूपीए सरकार के कई लोगों को बताया था कि अफसरों के खिलाफ बैठाई गई जांच आखिरकार पीएम तक पहुंचेगी क्योंकि मंजूरी उन्होंने ही दी थी। सलमान खान को मिली दुबई जाने की अनुमति। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता सलमान खान को एक शो के लिए मुंबई जाने की अनुमति दे दी है। सलमान वर्ष 2002 में हुए हिट एंड रन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं। न्यायमूर्ति शालिनी फणसालकर जोशी ने सलमान के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए उनको इंडो अरब बॉलीवुड अवार्ड शो के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी। यह शो 29 मई को दुबई में होने जा रहा है। जदयू नेता के घर पार्सल बम फटा, एक की मौत। बिहार में जदयू नेता के घर में एक पार्सल बम फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान गया जिले में जदयू के अध्यक्ष अभय कुशवाहा के चचेरे भाई संतोष कुमार के रूप में हुई है। इस घटना में कुशवाहा का रिश्तेदार जय हिंद गंभीर रूप से घायल हो गया। गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने कहा कि कुशवाहा के मकान में यह बम पार्सल के रूप में भेजा गया था। बच्चों को छोड़ आईएस से जुड़ी ऑस्ट्रेलियाई महिला। सीरिया के उग्रवादी गुट इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया की 26 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर अपने दो बच्चों को छोड़ दिया। जस्मीना मिलोवानोव नामक इस महिला ने अपने बच्चों की देखरेख करने वाली आया से कहा कि वह इस महीने के शुरू में एक नई कार खरीदने जा रही है, लेकिन उसके बाद वह कभी सिडनी स्थित अपने घर नहीं लौटी। मिलोवानोव ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था। समझा जाता है कि एक जिहादी महिला उसे लालच देकर विदेश ले गई है जो जिहादियों के लिए दुल्हन खोजती है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।